हेलो बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो वॉट हाफ फैक्टर पर रिलेटेड है, आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, ऐसे न्यूमेरिकल आपके हैं जो कि आपके जेई एडवांस में, मेंस में, नीट में, आप लोगों के बोर्ड में, मतलब हर जगह क्वेश्चन इसके आते हैं। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमें वन हाफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आने चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने वीडियो नंबर 18 में जो हमने पढ़ा था, वन हाफ फैक्टर आई, आई को कैसे हम लोग निकालते हैं, डिसोसिएशन कंडीशन में, एसोसिएशन कंडीशन में, उसकी बड़ी जरूरत है। तो जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 18 पढ़ा है तो उनको तो सारे न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो वो लोग जरूर उस लेक्चर को देख लें, जिससे ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। देखिए, होता यह है कि डिसोसिएशन कंडीशन की बात यदि हम करें तो वन ऑफ फैक्टर आई वन माइनस अल्फा और एन अल्फा होता है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ये स्मॉल एन जो है, आई वन ऑफ फैक्टर है, आप देख रहे हैं, और स्मॉल एन ये होता है जब कोई सॉल्यूट डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएट होने के बाद उसके कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हमें मिलेंगे प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में जितने मिलेंगे, जैसे NaCl है, टूट गया Na प्लस Cl माइनस, तो उधर कितने पार्टिकल मिले? दो, सोडियम आयन मिला और क्लोराइड आयन, तो स्मॉल n की वैल्यू 2 हो गई। अच्छा, अब हम एसोसिएशन कंडीशन की बात करेंगे तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अल्फा ऑन n। यहां पर अल्फा, इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और एन जो है ये नंबर ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं वो होते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो है एसोसिएशन डिसोसिएशन की कंडीशन होती है। इन न्यूमेरिकल में जो सॉल्यूट होगा वो जरूर डिसोसिएट होगा या तो एसोसिएट होगा, पक्की बात है, तुमसे कहां नहीं जाएगा, तुम देखते देखते खुद समझ जाओगे कि इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी। जैसे हम एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं कि 7.54 ग्राम पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 4.68 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन। तो यहां हमने बोला फाइंड आउट, आप इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ब्रैकेट में दे दिया है आर की वैल्यू, हमने दे दिया 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और के दे दिया 39, सीएल दे दिया 35.5। तो क्या निकालना? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और देखिए केसीएल है, बताइए क्या होगा केसीएल, ये तो आयनों में टूटेगा, के प्लस और सीएल माइनस, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अर्थात हमें ये अल्फा निकालना है। ये वाले फार्मूले को यूज करेंगे और हमें अल्फा निकालना है, और अल्फा निकालने के लिए हमें आई पता होना चाहिए, आई वन ऑफ फैक्टर है। तो चलिए पहले हम इसमें ये देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहले देखिए 7.454 ग्राम पर लीटर केसीएल, स्मॉल डब्ल्यू दिया है 7.54 ग्राम केसीएल दिया है, वी हमारे पास 1 लीटर दिया है, बहुत बढ़िया।
इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू दी है 4.68 एटमॉस्फेयर, ये वैल्यू दी है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 4.68 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन, टी इक्वल टू 300 केल्विन हो गया, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट M1 KCl का यहां पे 74.5 होता है। कैसे निकालोगे KCl? इसका 39 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो 74.5 आ जाएगा। और R की वैल्यू दी है 0.0821 और एटमॉस्फेयर जो भी यूनिट वहां दी है ये सारी वैल्यू। जब कोई सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट होता है तो वहां पर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है उसमें वांट ऑफ फैक्टर यूज करते हैं हम लोग। तो यहां पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला होगा वो आई, और यहां पे डब्ल्यू आर टी अपॉन M1 भी लगेगा आई। अगर आई हटा दे तो कौन सी वैल्यू है? कैलकुलेटेड। लेकिन ये कैलकुलेटेड वैल्यू और इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में फर्क होगा, ठीक है, वो हमने वीडियो नंबर 18 में आपको समझाया है। तो यहां पर पाई कितना दिया है 4.68, आई हमें निकालना है और डब्ल्यू हमारे पास दिया है 7.45 और आर 0.0821 टी 300 अपॉन M1 की वैल्यू रखेंगे 74.5 और B के स्थान पे 1 रखेंगे और यहां से हम लोग आई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आई की वैल्यू को हम लोग यहां से फाइंड आउट करेंगे, तो आई की वैल्यू जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कर लेना यहां पे 1.9 आएगी, 1.9। आज जब आई की वैल्यू 1.9 आ गई तो अब इस कंडीशन में इसे हटा देते हैं, इस कंडीशन में हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ केसीएल। अब हम केसीएल को डिसोसिएट करेंगे, केसीएल हमारा टूटेगा के प्लस और सीएल माइनस। अब आई इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा होता है, तो आई की वैल्यू हमारे पास ये रखी है 1.9 है, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा आया। 2 क्यों? क्योंकि दो आयंस आपको डिसोसिएट होने से मिले हैं, तो 1.9 दिस इक्वल टू 1 प्लस अल्फा आ गया, इसे 1 से माइनस हो गया अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 0.9 आएगा, 9 यानी 1 मोल में 0.9 मोल इसके केसीएल के डिसोसिएट हो जाएंगे। या हम इसी को परसेंटेज में अगर निकालना चाहें तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90%, यानी केसीएल हमारा 90% डिसोसिएट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, केसीएल का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी केसीएल को अगर हम किसी सोल्यूशन में, सोल्यूशन 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे 7.45 ग्राम को, तो उसमें 90% ये डिसोसिएट हो जाएगा के प्लस और सीएल माइनस। क्लियर हो गया? अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की बात हम करेंगे, एक और इसी में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तब आपकी बात क्लियर होगी। जैसे एक क्वेश्चन हमने और आपके सामने रख रहा हूं, जरा आप लोग इसको भी समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 0.85 ग्राम ZnCl2 is dissolved in 125 ग्राम ऑफ वाटर। आपने वाटर में कितना डिसॉल्व किया गया, then this solution freezes at minus 0.30 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कह रहा है फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ZnCl2, और इसमें हमने Kf की वैल्यू दे दी है 1.86 किलो kg और मोल इनवर्स, और भी दे दिया है Zn की मालिक को वेट 65.5 और सीएल की वैल्यू है 35.5, ये वैल्यू दी है।
यहां भी देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी डिसोसिएशन कंडीशन में ये फॉर्मूला आपके पास है। चलिए पहले आइए देखता हूं क्या क्या दिया हुआ है। ये स्मॉल डब्ल्यू दिया है कितना 0.85 ग्राम के लिए, कैपिटल डब्ल्यू आपके पास 125 ग्राम दिया है, बिल्कुल सही। और डेल्टा टीएफ की वैल्यू जानते हो टीएफ माइनस टी1 है, ये देखिए ये दिया है 0.85 ग्राम ZnCl2, ये इस डिसॉल्विंग 125 ये दिया है। देन दिस सॉल्यूशन फ्रीजेस एट, सॉल्यूशन फ्रीज होता है तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट इसमें डिसॉल्व किया वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 माइनस 0.3, तो कुल मिला के 3 आ गया डिग्री सेल्सियस टीएफ। क्लियर, ये हो गया। और केएफ की वैल्यू हमें ये है 1.86 दिया है। और मालिक और वेट भी देख लेता हूं, जेडन का है 65.5 प्लस यहां क्लोरीन का, अब जेडन CL2 होता है तो जेडन CL2 में जेडन का तो ये हो गया, क्लोरीन तो 35.5, इसका डबल करो तो 71 आ जाएगा, 71 इसमें हम जोड़ेंगे तो 5.1 यहां पे आ गया, 6 हो गया, 12 13 हो गया, तो 136.5 आ गया। ये मालिक और वेट, ये सारी वैल्यू दी हुई है। अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है अल्फा, तो हमें क्या पता होना चाहिए आई। चलिए हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, ये आई तो लगाना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, आई का तो मेन काम है। और यहां पर केएफ स्मॉल डब्ल्यू 1000/m1 × W, डेल्टा टीएफ की वैल्यू दी है 0.3 है तो 0.3 हो गया। आई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ये 1.86 इंटू डब्ल्यू दिया है 0.85 इंटू 1000 अपॉन m1 दिया है मालिक और वेट इसका 136.5 और कैपिटल डब्ल्यू दिया है 122। और यहां से हम लोग आई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जब हम इस आई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 42.48 आएगी। आपको इसे कैलकुलेट कर लेना, देख लेना, ये 2.48 आएगी, ये वैल्यू हमारी आई की आएगी। अब आई की वैल्यू आने के बाद हमें निकालना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ZnCl2 के लिए, तो ZnCl2 के लिए जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो इसके लिए आई हमारे पास आ गया। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में आई को पहले तो हम ZnCl2 को डिसोसिएट कर लेता हूं, तो Zn पे आएगा 2 पॉजिटिव और 2 Cl-। अब आई इक्वल टू हमारे पास आया यहां पे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, n कितने 3 मोल मिले। आई ये वैल्यू हम यहां पे रख दे उठा करके, 2.48 इक्वल 1 माइनस अल्फा प्लस यहां पे 3 अल्फा आ गया, या 0.248 यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 अल्फा आ जाएगा। क्लियर, इसको आप इधर ले आएंगे तो 2 अल्फा ये इधर आएगा तो 2.48 माइनस 1, तो 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 1.48 आएगा। अल्फा इसमें हम 1.48 में 2 से डिवाइड करेंगे, 0.74 आएगा, यानी अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। या हम इसी में 0.74 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 74% ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो दो न्यूमेरिकल मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से बताया, बड़ी सिंपल है। आई को निकालना है, फिर आपको एसोसिएशन डिसोसिएशन वाली कंडीशन को देखना है, बहुत ही आसान। और देखिए अगले क्वेश्चन को, एक हम आपको एसोसिएशन की कंडीशन समझाएं, आपको और क्लियर हो जाएगा एसोसिएशन की कंडीशन को। इसमें आप लोग देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि 2 ग्राम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 2 ग्राम बेंजोइक एसिड,
C6H5C OH is dissolved in 25 ग्राम पेंसिल, 25 ग्राम पेंसिल में डिसॉल्व किया गया. देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज 1.62 केल्विन. इतना उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ. इफ Kf की वैल्यू 4.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स, तो हमने कहा कि फाइंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड यानी C6H5. और ये भी एक बात दी हुई है, गिवन बेंजोइक एसिड C6H5OH डाइमराइज्ड इन बेंजीन. ये बात होती है डाइमराइज. और बेंजोइक एसिड का एक चीज और दे दिया है, इसका मालिक और वेट 122 ना दिया हो तो आप इसे निकाल सकते हो. ये चीज आपके सामने दी हुई है. ये देखिए क्वेश्चन. चलिए पहले देखता हूं क्या क्या दिया है. 2 ग्राम बेंजोइक एसिड स्मॉल डब्ल्यू, हमारे पास 2 ग्राम हो गया. इज डिजॉल्व इन 25 ग्राम बेंजोइक एसिड, 25 ग्राम हो गया. ठीक. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ कितना दिया है, 1.62 केल्विन, 1.62 केल्विन हो गया. ठीक. और केएफ की वैल्यू दी है 4.9. ठीक. तो हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है. डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए देखिए डाइमराइज्ड कह रहा है, बेंजोइक एसिड डाइमराइज्ड हो रहा है. डाइमराइज्ड का मतलब 2C6H5COOH, ये डाइमराइज C6H5 और COOH का होल ट्वाइस, ये डाइमराइज्ड हो गया. इसे बोलते डाइमराइज्ड. यहां आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 होता है, अल्फा अपॉन एम होता है. तो आई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2 क्यों आ गया, क्योंकि दो मॉलिक्यूल डाइमराइज्ड हो गए. जितने मॉलिक्यूल जैसे डाइमराइज्ड हो गए तो एन की वैल्यू 3 हो गई. टेट्रामर बनाता है, एन की वैल्यू 4 हो गई. ये आप लोग इस तरीके से करेंगे. आप आई इक्वल टू निकालेंगे तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा. ठीक है. अब हमें आई की वैल्यू पता हो तो अल्फा निकाल लें. आई की वैल्यू पता हो तो अल्फा निकालेगा. यही अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है. आप तो आई की वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे. देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई, क्योंकि यहां पर इसका एसोसिएशन हो रहा है तो आई तो लगेगा ही. आई इसके बाद के एफ स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन एम वन इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इसकी वैल्यू दी है कितना, डेल्टा टी एफ ये दिया है 1.62. आई की वैल्यू निकालेंगे 4.9 दिया है. स्मॉल डब्ल्यू दिया है 2 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका 122 और इसके बाद कैपिटल डब्ल्यू 25 और आई की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करें. आई की वैल्यू को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आई की वैल्यू हमारे पास नियरली लगभग 0.504 आ जाएगी. ये आई की वैल्यू, इस आई की वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे. यहां पर रखेंगे तो हमारे पास 0.504 दिस इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 आया. इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए तो अल्फा अपॉन 2 यहां 1 माइनस 0.502. तो यहां पर निकालेंगे तो थोड़ा कम आएगा, 99 कर सकते हैं. तो अल्फा अपॉन 2
यहां पर जब हम डिफरेंस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 1.1 से थोड़ा 0.5 से थोड़ा सा कम आएगी। चलिए हम ले लेते हैं 0.49। ये मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा 8 और यहां पर 8 और 9 ये आ गया। कुल मिला के नियर अबाउट इसको 1 से डिफरेंस कर लेंगे ये 98 और इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें यदि तो लगभग 98% यहां पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ गया। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे जो ए से लिखा गया तो ये आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे प्रॉब्लम हो गई। अब देखिए हम आप लोगों को थोड़ा सा तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे निवर्कल आपके सामने हुए। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा हम आपको और एक बताते हैं इसे आप समझेगा इसे थोड़ा ट्राई करेंगे आप लोग। लिखा है टू मोलल केसीएल सॉल्यूशन इन वाटर हैज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1.83 केल्विन। एलिवेशन हैज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 1.83 केल्विन ठीक है। और इफ केबी की वैल्यू दे दिया 0.52 तो फाइंड अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको ठीक है। अब मोलल है तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टी बी आई के बी और एम यही मोलैलिटी है स्मॉल डब्ल्यू टू 1000 अपॉन एम 1 टू कैपिटल डेल्टा टी बी कितना दिया है 0.52 आई निकालेंगे के बी दिया है 0.52 और ये दिया है 2 मोलर मोलर मोलंटी दी है और ये के बी की वैल्यू की दी है एडमिशन ऑफ वॉल्यूम पॉइंट 1.8 थी और के बी की वैल्यू तुम्हारी ये दी है आई इक्वल टू आ जाएगा 1.83 अपॉन हो जाएगा 0.52 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1.83 अपॉन यहां 4 हो गया यहां 10 आ गया इस तरीके से आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये नियरली हमारा जो है 1.8 के आसपास आई की वैल्यू आ जाएगी आई की वैल्यू 1.8 के नियर तक अबाउट हमारे इसके आसपास ठीक। अब हमें निकालना है केसीएल टूटेगा के प्लस और सीएल माइनस में आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा 2 मोल मिले आई 1 प्लस अल्फा आई ये रखेंगे 1.8 और 1 प्लस अल्फा अल्फा इक्वल टू 0.8 या 0.8 इंटू 100 80% ऑफ द आंसर आ गया। कितने परसेंट 80% आंसर ये इसके डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एक और देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने सब वांट ऑफ फैक्टर यही सारे क्वेश्चन आप लोगों के कंपटीशन और बोर्ड में आते हैं वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं m बाई 10 कैपिटल m है m बाई 10 के 4 एफ ई सी एम का होल 6 के सी एम सॉल्यूशन इज 50%
dissociated at 27 degree centigrade temperature. ठीक, find out osmotic pressure. Osmotic pressure को आप find out करना है. तो osmotic pressure के लिए pi equal to m RT I हो जाएगा. यानी हम फॉर्मूला लिखेंगे I M R T. तो I कितना हो जाएगा, चलिए K4 Fe Cl का होल 6. ये जब हम तोड़ेंगे तो 4K प्लस आ जाएगा और Fe Cl का होल 6. I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा एंड अल्फा I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 5 मिले अल्फा I इक्वल टू 1 प्लस 4 अल्फा हो गया. I की वैल्यू यहां से निकालिए, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या फाइंड आउट करना है. फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर I की वैल्यू 50% डिसोसिएट हो गया, एक मोल में निकालेंगे तो 100 में हुआ 50 तो 1 में हो गया 50/100.5, तो अल्फा इक्वल टू 0.5 आ गया. तो I इक्वल टू आ गया 1 प्लस 4 × 0.5, तो यहां पर आया 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई टू 3 आ गया. तो I की वैल्यू हमारी हो गई कितनी, 3. M मोलरिटी दिए हैं 1/10. R की वैल्यू 0.0821 होता है. T की वैल्यू होती है कितनी, 300. यस 27. इस 27 में हम 273 जोड़ देंगे, ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये यहां से 0 कैंसिल आउट, ये हमारे पास आएगा 9 और इनटू 0.0821, 9 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में आंसर आ जाएगा. बड़ी बात, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास हो गया. और इस तरीके से ये वन टॉप पे हमने आपको न्यूमेरिकल बताए. एक वीडियो हम आपको इसी पे और देंगे न्यूमेरिकल पे, वो न्यूमेरिकल आपको बताएंगे जो कंपटीशन में जेई मेंस में एडवांस में नीट में आए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में बात हम और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू वेरी मच.